नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। यूं तो तेज प्रताप यादव हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तो कभी बाबा भोलेनाथ के रूप में, तो कभी वृंदावन जाकर के बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक सप्ताह से जो तेज प्रताप यादव जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री हैं, एक सप्ताह से सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि वो पिछले बार मुलायम सिंह यादव उन्हें सपने में दिखाई दिए और तब सुबह होकर के उन्होंने साइकिल खरीदा और साइकिल से अपने दफ्तर गए और तब से उन्होंने बताया कि मैं अब साइकिल से ही आऊँगा और जाऊँगा। ऐसे में आज फिर से उनका एक अलग रूप देखने को मिला और बिहार विधानसभा में आज जब वो बजट सत्र के चौथे दिन बिहार विधानसभा में पहुँचे तो आज उनका एक अलग रूप देखने को मिला। आज फिर से विधानसभा में वो साइकिल से पहुँचे और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आप फिर से साइकिल से आए हैं, तो उन्होंने बताया कि पर्यावरण और अगर जलवायु को बचाना है और स्वस्थ रहना है तो साइकिल से चलिए, फिटनेस बनी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे में एक बार फिर से वो सुर्खियों पर बनते नज़र आ रहे हैं और सुनिए क्या कुछ कहा तेज प्रताप यादव ने। पर्यावरण बचाना है और फिट रहना है तो साइकिल सबको चलाना है। जितने लोग हल्ला कर रहे हैं, खासकर भाजपा के लोग को हम यही कहेंगे कि साइकिल चलाइए, अब फिट रहिए, बग ज्यादा मत कीजिए। तो सुना आपने तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा। ऐसे में स्वास्थ्य से अगर आपको स्वस्थ रहना, फिटनेस बनाए रखना है तो आपको साइकिल से चलना होगा, ये कहना था तेज प्रताप यादव का। ऐसे तेज प्रताप यादव हमेशा अपने बयानों में, अपने वेशभूषा के लिए, अपने हरकतों के लिए हमेशा चर्चों में बने रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो एक सप्ताह से चर्चा का विषय बना हुआ वो है उनका साइकिल से चलना। और ऐसे में अब देखना होगा कि तेज प्रताप यादव जो राजद कोटे से मंत्री हैं, कब तक वो अपने लग्जरियस लाइफ को छोड़कर साइकिल से चलते हैं और कब तक अपने मुलायम सिंह यादव के कहे हुए वचनों को निभाते हैं। फिलहाल के लिए ताई बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ।